दोस्तों, यात्रा के अगले पड़ाव में हम पानीपत के इस किसान भवन में भव्य किसान भवन है और यहाँ से अब जो है किसानों की पैदल यात्रा शुरू होगी। और एक बात देखने वाली जो है वो ये भी है कि एक तरफ जहाँ पे किसान पिछले 4 महीनों से लगभग आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरफ जो है आज आरएसएस की अपनी जो मीटिंग हो रही है उसमें उनका बयान आया है कि ये आंदोलन जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो प्रोलोंग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है किसानों का, उनसे हम आइए बात करते हैं। ये यात्रा ये संदेश देना चाहती है बीजेपी की मोदी सरकार को, अगर वो ये समझती है कि किसान और मजदूर जो है वो थक जाएंगे आंदोलन के, आप उनको आंदोलन लंबा खींचो, ऐसा होने वाला नहीं है। और ये एक संदेश जो है गांव में, शहर में मजदूरों, किसानों, दुकानदारों, आम लोगों को एक संदेश देना चाहती है कि आप उठ खड़े हो, जो हमला हमारे ऊपर है, आम जनता पर हमला है, उसका जवाब देने का टाइम आ चुका है। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो आम जनता की वो कोई बात नहीं सुन रही है, लगातार कुठाराघात कर रही है। इसलिए ये संदेश देने के लिए ये यात्राएं जो है पिछले कई दिन से अलग अलग जगह से यात्राएं शुरू हुई हैं और आज ये पानीपत से पैदल यात्रा शुरू हो रही है। आरएसएस का सर्वोत्तम मीटिंग, उनका जो सभा है वो पहले बार नागपुर का बाहर बैंगलोर में हो रहा है और वो सभा से उन्हें एक बयान दिया, आज अखबार में आया है कि ये जो फार्म एजिटेशन है, किसानों का आंदोलन, इसका नेतृत्व सरकार से जानबूझ से बातचीत नहीं करते हैं और ये एंटी सोशल लोगों का कब्जा में ये आंदोलन चला गया है और ये एंटी सोशल लोग सरकार से बातचीत करके इसको खत्म करने के लिए, आंदोलन को खत्म होने के लिए वातावरण नहीं बना रहा है जानबूझ से। ये जो हमारा मांग है वो मांग के ऊपर आरएसएस को नहीं बुला रहा, बोलता है आरएसएस का क्या राय है आप बताइए। ये 3 कानूनों के बारे में आरएसएस का क्या राय है, उसको बयान में एक भी बात आपने बताया नहीं, क्यों नहीं बुला रहे। और ये जो किसी का संघर्ष, आपको पता है खेती में किसान को जी नहीं पा रहा है, किसान कर्जा में डूब रहा है और किसानों का जो जमीन है वो खोकर किसान जमीन रहित हो जा रहे हैं, भूमिहीन हो रहा है, किसान खुदकुशी करना पड़ रहा है। इसी परिस्थिति में हमारे खेती को बचाने के लिए, वो देश को बचाने के लिए काम है, लेकिन आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस और भाजपा अभी कंपनीकरण कर रहा है, देशी और विदेशी पूंजीपतियों को हमारे जमीन ठेके पे देने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके लिए उन्होंने कानून ले आ रहा है। सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे तो सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो कभी हमारी बात को ना माने। ये जो कानून लेके आए हैं ये मैं सोचती हूँ बहुत छोटी बात है और सरकार की ये बहुत नीची सोच है, अगर इनको मानने को भी तैयार नहीं है कि इनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार शायद नहीं देख पाई, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये 3 कानून के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है ये देश में समाज को बदलने का पहला कदम है। 22 जनवरी को सरकार का 3 मेंबर केंद्रीय कैबिनेट का कमिटी हमारा नेतृत्व से बातचीत किया था, इसका बाद अभी तक बातचीत करने के लिए कोई कदम सरकार ने उठाया नहीं। और हम हमेशा बताए थे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और प्राइम मिनिस्टर बोला था कि वार्ता एक टेलीफोन कॉल का इतना ही दूरी पे है, तो अभी देखो 22 जनवरी का बाद अभी 2 दिन का बाद 22 मार्च आएगा, 2 महीना। और इसी बीच में रोज 3 किसान मर रहा है, अभी तक 300 से ज्यादा किसान का मौत हो गया और ये किसान इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन चला रहा है और ये आंदोलन सारे देश का लोगों को जानता है, अखबार इसको रिपोर्ट देते हैं, सरकार को पूरा से पूरा खबर उनके पास है, लाखों किसान आंदोलन में है, फिर भी आंदोलन से बातचीत करने का जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदारी सरकार का है, जिम्मेदारी सरकार निभाना चाहिए। और आरएसएस किसके क्या बोल रहा है,
आरएसएस खुद बोलना चाहिए कि असामाजिक तत्व कौन है, असामाजिक तत्व जो वार्ता के लिए नहीं तैयार है वो किसान नेतृत्व नहीं है, वो सरकार का नेतृत्व है। बीजेपी सरकार का इस आंदोलन के प्रति रुख बेहद तानाशाही पूर्ण है। ये एक तरह से हिटलर की चाल ये सरकार खेल रही है। जगह जगह पे जहाँ सभाएं रखी हुई है उन सभाओं को कैंसिल करवाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और जब ये आंदोलन चला था उस समय पे भी हरियाणा की खट्टर सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश की। यहाँ पे सड़कें खुदवाई, पतीले तारे लगवाई, पानी की टोपे छोड़ी, लेकिन किसान दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे। आज भी जब ये पद यात्रा चली हुई है एक तरफ तो कड़कती गर्मी है, दूसरी तरफ सरकार का ऐसा रुख है इस आंदोलन को कुचलने वाला। तो लेकिन सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये जो पद यात्राएं हैं, ये गांव-गांव में जारी हैं, लोगों को जागृत कर रही है। जिस भी गांव से ये गुजर रही है वहां से लोग स्वागत कर रहे हैं, चाय पानी का इंतजाम कर रहे हैं और फूल मालाएं पहना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और जगह जगह पे सभाएं भी छोटी छोटी होने लग रही हैं। ये जो यात्रा है ये एक शहीद भगत सिंह के ही विचारों से निकला हुआ है कि जब हम कोई आंदोलन करते हैं या क्रांति लाना चाहते हैं तो उसमें जरूरी ये हो जाता है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और लोग उसको विचारें और हमारे साथ चलें और तभी क्रांति जीत सकते हैं। और इसका उद्देश्य पद यात्रा का यही है कि लोगों तक गांव-गांव में संदेश पहुंचे और लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते जाएं। जितना लोग जुड़ेंगे जो जीत है बहुत करीब होगी।